दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को 13 अंकों वाले नंबर जारी कर दिए हैं। फिलहाल इस नंबर की टेस्टिंग की जा रही है। दूरसंचार विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी BSNL, एयरटेल, जियो, आइडिया सेल्यूलर और वोडाफोन को टेस्टिंग प्रक्रिया के लिए 13 अंकों का नंबर जारी किया। इन सभी कंपनियों को विभाग की तरफ से मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए 13 अंकों का नंबर जारी किया गया। मशीन टू मशीन सिम कार्ड का इस्तेमाल ऑटोमेटेड मशीनों में होता है। मशीन टू मशीन सिम कार्ड का ज्यादातर उन मशीनों में होता है जो नेटवर्क कनेक्टिविटी पर रन करती हैं। इन मशीनों की रेंज छोटे गैजेट से लेकर बड़ी मशीनों तक होती है, लेकिन इन मशीनों को काम करने के लिए इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की जरूरत होती है। खबर को लेकर क्या थी अफवाह? पिछले काफी समय से 13 अंकों वाले मोबाइल नंबर को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैली थी। ऐसे में यूजर्स को लग रहा था कि उनका मोबाइल नंबर 10 अंकों के बजाय 13 अंकों का हो जाएगा। इन अफवाहों को उस समय बल मिला जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से जारी एक लेटर को कई मीडिया साइट्स ने गलत तरीके से पेश किया, जबकि सूचना विभाग की तरफ से उस लेटर में साफ लिखा था कि 13 अंकों का परीक्षण सिर्फ मशीन टू मशीन सिम कार्ड के लिए होगा।